अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी है दुबई से और आप सब भी शौक में होंगे कि मैं अचानक दुबई कैसे आ गई। तो चलें आगे चल के देखते हैं कि मैं किस तरह से दुबई में आई। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिलती रहें। हाँ जी, तो आप मुझे बताएं क्या वाकई में आप लोगों को भी फील हुआ कि वाकई में ये दुबई है। हाँ जी, मुझे तो 100% ऐसा ही लगा कि मैं अचानक से दुबई में ही आ गई हूँ। तो ये दुबई नहीं है, ये हमारा प्यारा सा पाकिस्तान है, खूबसूरत पाकिस्तान और उसका फेमस बहरिया टाउन, जो कि जितने भी पाकिस्तान में बहरिया टाउन बने हैं तो कराची वाला जो बहरिया टाउन है उसके मुकाबले में सब बहरिया टाउन जो हैं वो बहुत ही पीछे हैं। लेकिन जो कराची के अंदर बहरिया टाउन है वो आपको पूरी वाइब्स देता है UAE की। ऐसा लगता है कि आप UAE आ चुके हैं, आप पाकिस्तान में हैं ही नहीं, और ऐसा फील होता है कि जैसे आप दुबई में खड़े हुए हैं। इसकी बिल्डिंग्स देखें, इसके रोड्स हैं और रोड्स में सेंटर में जो खजूरों के दरख्त लगाए हुए हैं वो पूरी आपको वाइब देते हैं UAE की, दुबई की, और बिल्कुल ही अरब कंट्रीज़ जैसा इसका स्ट्रक्चर है। ऐसा फ़ील होता है कि हम वहीं पे। और ये देखें मस्जिद जो कि इतनी खूबसूरत है, ये बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये जो मस्जिद है ये किसी अरब कंट्रीज़ के अंदर हम गए हुए हैं। ये दुबई है, कतर है या फिर ये सऊदी अरेबिया, तो यहाँ वहाँ पे ये मस्जिद हो सकती है। ये आपको पूरी वैसी वाइब्स नज़र आ रही हैं कि ये मतलब कि हम UAE में हैं, ऐसे कंट्रीज़ में हैं, अरब कंट्रीज़ में। और ये मस्जिद माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे एशिया में 3rd नंबर पर है, मीन्स 3rd लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान की तो लार्जेस्ट मस्जिद में आती है। ये सबसे बड़ी मस्जिद जो है पाकिस्तान में वो इस वक्त बहरिया टाउन की है और कराची की ये ग्रैंड जामिया मस्जिद है। अच्छा, ये मस्जिद पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है और वीडियो में ऐसा फील हो रहा होगा कि ये जो है इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होगी, लेकिन ये काफ़ी ऊंची थी। बिल्कुल सेंटर में इसको बनाया गया और इस तरफ इसके छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे पहाड़ बनाए गए हैं ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी इसकी कटिंग इतनी खूबसूरत हुई हुई है। सेंटर में ये मस्जिद है और इसके चारों तरफ ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो कि ग्रीनरी से भरी हुई हैं और इतनी प्यारी, और फ्लावर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ट्रीज़ लगाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। अच्छा, अभी तक भी ये बन रही है, अभी तक इसकी ओपनिंग नहीं हुई, अंदर जाना अलाउ नहीं है। 6 ईयर्स अगो भी मैं आई थी तो तब भी इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन अभी तक भी। अच्छा, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी। यहाँ ये मैं दिखाती हूँ, साथ ही इसके लाइब्रेरी है तो ये भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें भी अंदर जाना तो अलाउ नहीं है। अक्सर आपने ड्रामों में भी देखा होगा, इकरा यूनिवर्सिटी में अक्सर ड्रामे बन रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर भी जितने भी अमीर बच्चों की यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है ना, वो अक्सर इकरा यूनिवर्सिटी मैंने बहुत से ड्रामों में देखी है। तो ये है जी वो इकरा यूनिवर्सिटी जहाँ पे ड्रामे बनाए जाते हैं। बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी साफ़ सुथरी, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, ऐसा लग रहा है बाहर के मुल्क में। तो बस अब हम चलते हैं किसी और जगह पे। तो बस आप जी व्यू चेक करें और आप हैरान हो रहे होंगे कि कितना प्यारा व्यू है। और अच्छा, ये बहरिया टाउन नहीं कह सकते इसको, एक बहरिया सिटी कहना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल एक सिटी की तरह है, जैसे एक बड़ा सिटी होता है। अच्छा है ये कराची में कंसीडर किया जाता है, कराची वाला बहरिया टाउन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कराची एक अलग सिटी है और ये जो बहरिया टाउन है ना, ये अलग सिटी है। हर चीज़ की सहूलत इसके अंदर मौजूद है, मीन्स के यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है और इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा इसकी पहाड़ों में से कटिंग है, जो इतने खुले खुले रोड्स बनाए गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, जो कराची की मिट्टी का कलर है ना, वो भी खुद अरब कंट्रीज़ से मिलता है। अरब में ऐसा होता है ना, येलो येलो सी मिट्टी होती है, और कराची में भी मिट्टी का कलर सेम वैसा है। तो बस फिर हम क्यों ना कहें इसको कि ये दुबई है। तो बस अब जो आपको सामने ग्रीन ग्रीन पहाड़ी के ऊपर जो घर नज़र आ रहा है, जिसको अब मैंने जूम करके दिखाया है, तो ये है जी अली हाउस, मीन मलिक रियाज साहब के बेटे का घर, और ये इतना खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बार बार कह रही हूँ वीडियो में ना, ये बिल्कुल ही बहुत कम खूबसूरत नज़र आ रहा होगा, लेकिन रियलिटी में अगर आप इसको देखें ना, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये बहुत बड़ा मलिक रियाज साहब के बेटे का जो ये घर बनाया गया, ये इतना बड़ा है और पूरा एक बहुत बड़ा विला बना हुआ है और पहाड़ी के ऊपर, और पहाड़ी इतनी खूबसूरत है। यहाँ से गाड़ी से मैं बैठ के देख रही थी, इतने ज़्यादा भाई नौकर चाकर थे जो कि इस पहाड़ी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में लगे हुए थे। सब पहाड़ों की कटिंग हो रही है, ग्रास की कटिंग हो रही है, तो इतने ज़्यादा वहाँ ऊपर लोग फिर रहे थे। तो अब है जी ये पार्क तो वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो बहुत ही अच्छा सा पार्क है वो ये है, और बड़ा ही खूबसूरत। अच्छा, हम आए थे तकरीबन 10 o'clock पे यहाँ पे, अभी आई थिंक 11 o'clock हो रहे हैं, मीन्स के 11 AM। तो अभी पार्क में एंट्री नहीं हो सकती थी, आई थिंक ये शाम को 4 PM पे जाके इसकी ओपनिंग होती होगी। तो अभी झूले वगैरह भी सब बंद थे, तो इसी वजह से हम पार्क में तो नहीं जा सकते। बस ये है कि मैं आज बहरिया टाउन की वीडियो भी बनाने आई थी कि आप लोगों के साथ भी दुबई आज शेयर करती हूँ। मैं ख़ुद भी ज़रा दुबई से जाके घूम के आती हूँ, है ना, कितनी अच्छी बात है। बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर इतनी ज़्यादा टिकट के आप आराम से जाएं, दुबई से घूमें। मैं आपको कह रही हूँ, यकीन करें। अगर आप लोग कहीं पे जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, आप आएँ बहरिया टाउन में, आकर स्टे करें, अपने बच्चों को लेके आएँ, घुमाएँ फिराएँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, मैं कहती हूँ, पीसफुल जगह है। यहाँ पर इतना अमन है, इतनी पीसफुल ये प्लेस है। अच्छा, तो अभी हम आ चुके थे इम्तियाज़ पे, और इम्तियाज़ जो है वो 12 PM पे जाके ओपन होगा, और यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं वो भी सारे अभी तक क्लोज थे, क्योंकि अभी 11 AM हो रहे थे। तो 12 PM तक जाके सारे ब्रांड्स भी, सारी शॉप्स जाके ओपन होती हैं। तो हमें थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, हमने सोचा कि चले इम्तियाज़ से थोड़ा सा मीट वगैरह इस तरह की चीज़ें ले लें, सारी चीज़ें फ्रेश बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन वो इम्तियाज़ जो है वो बंद था। तो अभी हम जाते हैं किसी और साइड पर। अच्छा, अभी तक भी मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा बहरिया टाउन का विज़िट नहीं करवाया, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहरिया टाउन काफ़ी बड़ा है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं अपार्टमेंट्स वाली जगह पे कि लोगों का यहाँ पे रहन सहन किस तरह का है, कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, किस तरह से लोग रहते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि ये जैसे दुबई में ही हम फिर रहे हैं, और दुबई के सारे अपार्टमेंट्स हैं, और ये सब यहाँ पर सब लोग रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर उनकी सब की गाड़ियों के नीचे पार्किंग है। आई थिंक इसमें अंदर भी पार्किंग एरिया तो ज़रूरी होगा अपार्टमेंट्स के अंदर, और बाहर भी सारी पार्किंग लगी हुई है। सब लोगों के घर यहाँ पे, मार्केट्स भी इसके अंदर हैं अपार्टमेंट्स के अंदर। तो अभी चल के अंदर भी देखते हैं कि इस तरह से ये कितना खूबसूरत है। इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे सफाई थी, इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें, मैं आप रोड्स इतने क्लीन थे और यहाँ पे ये जगह इतनी खूबसूरत और नीचे इतने प्यारे प्यारे ग्राउंड्स बने हुए हैं और उसके अंदर बच्चों के लिए छोटे छोटे से झूले बने हुए थे, स्लाइड्स लगी हुई हैं और बाकी है ना स्विंग झूला भी था। तो बच्चे आए नीचे शाम के टाइम आके खेलें, तो ये सारे आते ही होंगे ना शाम के टाइम, नीचे सारे बच्चे आते होंगे। तो ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी जगह है, मुझे तो पर्सनली ये इतना अच्छा लगा। आप ऐसे ही मूव करते हैं हम इधर उधर, हम अपने पाकिस्तान को ही, मैं कहती हूँ सपोर्ट करें ना, हम सब मिलके अपने पाकिस्तान को ही बहुत कुछ समझने लग जाएं तो हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। ऐसे ही हम बस इधर उधर मूव कर जाते हैं, कोई दुबई चला जाता है, कोई किसी और कंट्री में। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे जितने भी अच्छी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी जगह बन रही हैं तो हम यहाँ पे मूव करें। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप यहाँ पे आके जॉब्स करें। जॉब्स भी यहाँ पे ज़ाहिर है जॉब्स भी मिलेंगी, जब इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे, इतने वेल सेटल्ड लोग यहाँ पे रहते हैं तो जॉब्स भी तो होंगी ना। यहाँ पे आके अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, कुछ भी करें। और मैं तो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इस प्लेस से, मेरा तो दिल कर रहा था कि बस मेरा बस चले ना, तो मैं तो आके आराम से कराची के बहरिया टाउन में ही मूव करूँ, इधर ही आके सेट हो जाऊँ और यहाँ पे कोई अच्छी सी जॉब्स मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो बस बंदा अपने पाकिस्तान में भी रहे और इतनी खूबसूरत और प्यारी सी जगह में भी आके रहे। आई होप आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल मास्टर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।